Ah, so? दिल्ली एनसीआर में धुंध और आलूदगी का कहर जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरियों को फिर से किया तलब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन रवाना। कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिक्स के रुकन ममालिकों ने कारोबार, नई सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सकाफत के शोबों में ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर किया गौर। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का किया इफ्तिताह। कहा, लखनऊ और कानपुर के बाद रियासत के 6 और शहरों में मेट्रो सर्विस की जाएगी शुरू। और वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने अपनी सरकारी रिहायशगाह पर प्रीपेड मीटर लगाने की मुहिम की शुरुआत की। कहा, वजीर आजम और वजीर आला की मुसलसल तरक्की के 17 निकात में एक अहम ये भी है कि सबको बिजली मिले। आदाब, मैं शाइस्ता बानो, खबरें तफसील से। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आलूदगी रोकने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को 29 नवंबर को पेश होने को कहा है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि आलूदगी रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाने चाहिए। दिल्ली के 13 सबसे आलूदा मुकामात को आलूदगी बढ़ाने वाले अनासिर से पाक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि आलूदगी से राहत के लिए दिल्ली में जगह जगह एयर प्यूरीफाइड टावर लगाने के लिए रोड मैप तैयार करें। साथ ही अदालत ने कहा कि ऑड इवन स्कीम नाफिज होने के बावजूद दिल्ली में आलूदगी की सतह में इजाफा हो रहा है। दिल्ली हुकूमत की इस स्कीम के दौरान दोपहिया और तीन पहिया गाड़ियों को दी गई राहत पर उन्होंने सवाल उठाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद जुमेरात को देश से वतन रवाना हो गए। इस छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिक्स के रुकन ममालिक ने कारोबार, नई सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सकाफत के शोबों में ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर गौर किया। जनाब मोदी 5 सबसे उभरती मईशत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के 2 रोज़ा मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुँचे थे। ब्रिक्स के मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स ममालिक के लाए अमल पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक की ऐसी कोशिशों से मुनज़्ज़िम जराइम पर रोक लग सकेगी और मुस्तहकम ब्रिक्स सलामती ताउन को ताकत मिलेगी। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे और समाज को गहरी क्षति हुई। इसके अलावा विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ और विकासशील देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ को 1.5% तक का को उसने कम किया है। आतंकवाद, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम से बना संशय का वातावरण व्यवसाय और व्यापार को गहरा अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। आज लखनऊ में 12वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने किया। ये कॉन्क्लेव 15 से 17 नवंबर तक जारी रहेगा। इस इनेकाद से भारत सरकार की वजारत शहरी तरक्यात LDA और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव की थीम एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज है, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में मुल्क भर के ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट महकमे के अफसरान शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हमारी 23% आबादी शहरों में रहती है। शहरों को स्मार्ट बनाने का काम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और इसे रहने लायक बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मुतबादिल का मंसूबा तैयार किया है। NCR स्मॉग की आलूदगी से मुतासिर और यही दिक्कत है कि इस पर काम हो। इस कॉन्क्लेव के नतायज से हमें फायदा होगा। रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने मरकज की स्कीमों को रियासत में नाफिज करने में बैरियर का काम किया। उन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए मरकज की स्कीमों को रियासत में नाफिज करने में रोड़े अटकाए।
उन्होंने कल ये बात दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि रियासत की योगी हुकूमत के इन ढाई वर्षों की मुदतकार में हालात में तब्दीली आई है। हमारी हुकूमत मनसूबाबंद तरीके से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज हिज़्ब इख्तिलाफ़ के पास कोई इशू नहीं रह गया है। सरकार की उपलब्धियों का अंबार है। ढाई वर्ष के अंदर हमने जो 15 वर्ष का कुशासन उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है उस पर ढाई वर्ष के अंदर विजय प्राप्त की है, सुशासन देने का प्रयास किया, जिसकी अनुभूति सरकार के नाते नहीं आम जनता को भी महसूस हो रही है। और उन लोगों को लग रहा है कि पहली बार केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस सरकार को उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के बनाया है, ईमानदारी से जो उनका हक है उन तक पहुंचाने का काम किया। दूरदर्शन समाचार के साथ नायब वजीर आला के इस पूरे इंटरव्यू को आप शाम 6:30 बजे नशर प्रोग्राम चर्चा में तफसील से देख सकते हैं। रियासत के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा के लखनऊ वाक़ सरकारी रिहायशगाह पर प्रीपेड मीटर लगाने के साथ इस मुहिम की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत खुद वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर उन्हें इस कनेक्शन से मुतालिक महकमे की जानिब से दस्तावेज भी सौंपे गए। इस मुहिम के तहत रियासती हुकूमत के वुजरा, अराकीन असेंबली और इंतजामिया के अफसरान के घरों पर मीटर लगाए जाएंगे। इस मौके पर श्रीकांत शर्मा ने सहाफियों से कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलसल तरक्की के 17 निकात में एक अहम मामला यह भी है कि सबको बिजली मिले, इसलिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है। आज फरकाबाद के कायमगंज वाक़े किसान सहकारी चीनी मिल का जिला मजिस्ट्रेट मानविन सिंह ने हवन पूजन करके पेराई सेशन 2019-20 का बटन दबाकर शुरुआत की। इस मौके पर चीनी मिल को गन्ना देने वाले पहले किसान को तिलक लगाकर और हार पहनाकर इज्जत अफजाई की गई। हर साल तकरीबन 1.5 लाख क्विंटल चीनी पैदा करने वाली ये चीनी मिल अक्सर गन्ना किसानों के इस्तेहसाल और वसी बदनवानी के लिए जानी जाती रही, लेकिन जब से रियासती हुकूमत के सरबराह योगी आदित्यनाथ ने किसानों के गन्ना बकाये की अदायगी की ऑनलाइन अदायगी का फरमान जारी किया है, तब से इस चीनी मिल को गन्ना देने वाले गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। वैसे इन गन्ना किसानों को योगी जी से और भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर किसान सहकारी मिल कायमगंज का शुभारंभ किया है और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों का गन्ना खरीदा जाए और कोई ब्रेकडाउन ना हो, रिकवरी अच्छी रहे और किसी प्रकार की घटतौली इत्यादि ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से किसानों से कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी किसी प्रकार की अनियमितता वो पाते हैं तो अवश्य हमें अवगत कराएं, हम तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत जिले में 477 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखा और मानमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मुनक़िद प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट तकसीम किए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह प्रोग्राम के दौरान 525 नए शादीशुदा जोड़ों को दुआएं देकर नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत भर के मुख्तलिफ अजला में 21,000 लड़कियों को इज्तिमाई शादियां कराई जा रही हैं। इस स्कीम के तहत हर जोड़े को 51,000 रुपए की रकम दी जाती है। इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में 18 मुस्लिम जोड़ों की शादी समाज और सकाफती रवायत और रस्म रिवाज के मुताबिक कराई गई। वजीर आला ने कहा कि पीलीभीत जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि शिव गोरखनाथ मंदिर को सियाहत के तौर पर फरोग दिया जाएगा। विवाह के इस पवित्र बंधन से जुड़ने वाले और निकाह की परंपरा के साथ में जुड़ने वाले इन सभी नवयुवकों को, नवयुवतियों को हृदय से बधाई देता हूँ। इन सबके सफल दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूँ।
यहाँ पर आने से पहले मैंने भगवान शिव का इस मंदिर में दर्शन किया है और आने के बाद फिर मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 500 से ज्यादा विवाह और 18 के आसपास निकाह के कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ संपन्न हो रहे हैं। वास्तव में ये आवश्यकता था। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल नारा ही नहीं है, ये हकीकत भी है और इसे हकीकत में बदलने के लिए ही इतने सारे कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है। अभी अभी हाल ही में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना घोषित की। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सही करने का एक माध्यम है। अलीगढ़ जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर शेखा झील पक्षी विहार पर मुल्की और गैर मुल्की साइबेरियन मुल्कों से परिंदों का आना शुरू हो गया है। इनमें 18 से 20,000 साइबेरियन परिंदे हर साल यहां आते हैं। सर्दी बढ़ते ही ये झील आने वाले परिंदों से गुलजार हो जाती है। साइबेरिया से आने वाले परिंदे डार्टर, ग्रे हेरुइन, पेंडेड स्ट्रोक, ग्रेट कामरेड, प्रेल हेरुइन, ब्लैक पेंटिल, काम डॉक, आई ब्रिज, ब्लैक हैंडेड, ओपन बिल स्ट्रोक, स्पॉट बिल्डक, ब्लैक नेक स्ट्रोक, वाइट ब्रेस्ट, वाटर हेन, कॉमन मुरहिन, लिटिल कॉमरेड, ब्लॉट आई ब्रिज, स्वेलर कॉमन टेल, ग्रीले गोज, गार्गिनी वगैरह किस्म के परिंदों के चहचहाट से दिल मशहूर हो जाता है। दूर दूर से सैयाह इन परिंदों को देखने आते हैं। हिमालय किनारे कुदरती जंगलों नदी नालों से भरे जिला लखीमपुर खीरी में वाक़ दुधवा नेशनल पार्क आज 15 नवंबर से 15 जून 2020 मानसून आने तक के लिए सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। बारह सिंगों और बाघ टाइगर की सरजमीन कहे जाने वाले दुधवा भारत की पहचान पूरी दुनिया में माहौलियात के शायकीन तहकीकारों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। यहाँ लंबे लंबे दरख्त और दूर दूर तक फैले घास के मैदान और कुदरती आबी चश्मे पार्क में आने वाले सैयाहों का दिल जीत लेते हैं। पार्क में घूमने के लिए खुली सफारी गाड़ियों और हाथियों पर बैठकर जंगल की सवारी अपने आप में यादगार बनकर रह जाती है। पंद्रह नवंबर से लेके 15 जून तक जो पर्यटन सत्र होता है दुधवा टाइगर रिजर्व में, वो कल से शुरू हो रहा है। इस पर्यटन सत्र में जो खास बात है वो ये है कि जो हमारी एक दुर्गा हाथी है, हाथी का बच्चा है, उसको हम लोगों ने शुभंकर के रूप में इस बार पूरा पुनः यूज किया है। वो हमारी शुभंकर रहेगी। और इसके अलावा जो वन निगम के टाटा जिनान गाड़ियाँ हैं वो सफारी के लिए बिल्कुल तैयार है। सभी रोडों का रिपेयर हो चुका है, व्यू लाइन कटिंग हो चुका है। और दुधवा जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा वन्य जीवों का वास स्थल है, जहाँ पे साल के सुंदर जंगल हैं, वेटलैंड है, ग्रासलैंड है। आपको कुलाचे भरते हुए चीतल मिल जाएंगे, स्वाम डियर मिल जाएंगे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। दिल्ली एनसीआर में धुंध और आलूदगी का कहर जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरियों को फिर से किया तलब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन रवाना। कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिक्स के रुकने ममालिकों ने कारोबार, नई सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सकाफत के शोबों में ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर किया गौर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का किया है इफ्तिताह। कहा लखनऊ और कानपुर के बाद रियासत के 6 और शहरों में मेट्रो सर्विस की जाएगी शुरू।
और वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने अपनी सरकारी रिहायशगाह से प्रीपेड मीटर लगाने की मुहिम की शुरुआत की। कहा वजीर आजम और वजीर आला के मुसलसल तरक्की के 17 निकात में एक अहम ये भी है कि सबको बिजली मिले। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन 8:15 पर नश किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।